आगे चल के हम देखते हैं कि एक मिजाज होता है लोगों का कि दीन की बात जब खुल के सामने आने लगती है तो वो या तो जहनी तौर पे उसे कबूल करने को तैयार नहीं होते या उनके मिजाज इतने बिगड़े हुए होते हैं कि उसको कबूल नहीं कर सकते, वो मजाक उड़ाते हैं, तरीके ढूंढते हैं, हमले करते हैं, रकीक हमले करते हैं, और कुछ नहीं तो अपनी जहानत जिताने के लिए बेहुदा किस्म के सवालात करते हैं। अब मजाक करते करते एक शख्स ने कहा कि आप अगर सच्चे नबी हैं तो मेरे वालिद का नाम बता दीजिए। आपने उसके वालिद का नाम बता दिया मगर यह उसकी मां के खामिन का नाम नहीं था। अब नबुव्वत जब अपने जलाल में आती है, अब पांव तले से जमीन निकल गई और लोगों ने गवाही दी कि या रसूलुल्लाह हम सबको पता है मन अभी बाद में तुम्हारा बाप ना है। एक शख्स पूछता जी आई ना नाकती, मेरी ऊंटनी गुम हो गई, ये कहां है? आपने बता दिया। लेकिन नबी बुझारते बुझने के लिए तो नहीं आता, ये नबी का काम तो नहीं। और फिर आपने फरमाया कि आज जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो। अल्लाह के इज़्ज़त से अल्लाह जब बताने पे तुला हुआ है जो पूछना चाहो पूछ लो। उस वक्त सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कांपते हुए आए और हुजूर के जलाल को देख के आपने ऊंची आवाज से कहा रज़ीना बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन व नबिया, कि हम अल्लाह से राजी हैं कि वो हमारा परवरदिगार है, हम इस्लाम से राजी हैं कि अल्लाह ने उसको हमारा दीन बनाया, और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हैं कि अल्लाह ने उनको हमारा नबी और रसूल बनाया।